वेरी गुड। ये कभी नहीं पिघलने वाला स्नो जोन है जिसमें पत्थर धूल सब मिक्स्ड है। स्नो ब्रिज काफी बड़ा ग्लेशियर है। सामने का नज़ारा क्या बात है। हाँ वहीं जाने वाले हम दोस्तों। ये है जोन, पता ही नहीं चलेगा अगर फिसले तो। ये ग्लेशियर के ऊपर क्या बात है, गोल्डन स्टोन। भाई लोगों गोल्डन स्टोन मिल गया मुझे। ये गौरव भाई हाँ तोड़ रहे हैं गोल्डन स्टोन। बस ठीक है, कितना ले जाएगा, सोना थोड़ा है वो। दोस्तों अभी हम है 4500 मीटर के एलिवेशन पे और ये पूरा एरिया है रालम ग्लेशियर का जिस पे हम खड़े हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। ये कहा था ना मौसम awesome. आज तो awesome है पूरा। रेनी सीजन में ऐसा मौसम, ऊपर देखो धूप, इन टॉप में धूप आ गई है और सामने हसलिंग पीक, यहाँ पे सुली टॉप और आगे रालम। क्या बात है, अभी हम जाने वाले हैं उधर रालम ग्लेशियर। तो आज के नज़ारे तो बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, लेकिन हिमालयन रेंज में बहुत जल्दी बादल आ जाते हैं और इन पीक्स को ढक लेते हैं। और सुबह के कितने बज रहे हैं राम भाई, टाइम दिखाना। अभी हो रहा है 5:25। यस 5:25 पे हम निकल रहे हैं बिना नाश्ता किए हुए। तो देखिए कितना संघर्ष करना पड़ता है और अभी तो नज़ारे बहुत ही खूबसूरत। निकल गए हैं कैंप साइट को छोड़ के, धूप भी आने लगी है पीक्स पे। चलो जल्दी जल्दी चलो दोस्तों। सुबह की शुरुआत कुछ ऐसी हो रही है। ये है स्नो ब्रिज और यहाँ पर चल रहा है हाथ मुंह धोने का प्रोग्राम। तो क्या बताऊँ कितना ठंडा पानी है, लिटरली हाथ मुंह सब सुन पड़ गया इस पानी पर। हाथ लगा दे चलो, महसूस नहीं हो रहा चेहरा, चेहरा ही महसूस नहीं हो रहा है। दोस्तों गलपाड़ से रालम रिवर को फॉलो करते हुए जाना होता है रालम ग्लेशियर की तरफ और बहुत ही पास हम पहुंच गए अभी ग्लेशियर के। एक घंटा तो और लग जाएगा हमें ग्लेशियर को छूने में। पूरा बोल्डर वाला जोन है ये। वेरी गुड। ये तो हमारे साथ दो साथी और आ गए हैं जो कीड़ा ढूंढने जा रहे हैं, दीपक भाई और हमारे मनोज भाई। ये ग्लेशियर कितने पास है राम भाई, इतनी तेज तेज कहाँ जा रहे हो, भैंस खोई है क्या यार? भैंस लेने जा रहे हैं भैंस। दोस्तों रालम ग्लेशियर जाने के लिए नदी के दोनों तरफ रास्ता है, एक रास्ता उधर कहीं से आ रहा है, दूसरा जिस पे हम चल रहे हैं। और यहाँ कहीं पे है रालम बेस कैंप। ये पूरा जोन जो है ये लैंडस्लाइड वाला जोन है, काफी संभल के चलना होता है यहाँ पे। दोस्तों आप सभी का स्वागत है रालम ग्लेशियर पे। ये है सामने रालम ग्लेशियर जहाँ से निकल रही है रालम रिवर। ये देखिए कितना बड़ा ग्लेशियर है, काफ़ी शानदार। और अभी हम और ऊपर जाने वाले हैं हिमालयन पीक्स की ओर। और पीछे धूप में ये सिपू टॉप, ये सिपू पीक है और ये है सुली पीक। तो अभी थोड़ी देर में नज़ारे अच्छे होंगे क्योंकि धूप अभी आ रही है। सुबह के 6:30 बजे हम पहुँच गए यहाँ पर ग्लेशियर पर और कितना बड़ा ग्लेशियर है देखिए। ये कभी नहीं पिघलने वाला स्नो जोन है जिसमें पत्थर धूल सब मिक्स्ड है, काफ़ी बड़ा ग्लेशियर है। दोस्तों नंदा माई के आशीर्वाद से आज हम पहुंच चुके हैं ग्लेशियर पे और ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ फिक्स था। फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे में पूरी बारिश थी, लेकिन आज ग्लेशियर जाते टाइम प्रॉपर यहाँ पर धूप खिल चुकी है। और अभी मैं हूँ रालम ग्लेशियर के ऊपर, इसको पार करते हुए हम जा रहे हैं हिमालयन पीक्स की ओर और बर्फीली हवाएं, ओ क्या खतरनाक। और इस रेनी सीजन में इस ट्रैक को करना इतना आसान नहीं था, आपने देखा कितना लंबा ये ट्रैक है। आज के नज़ारे बहुत खूबसूरत होने वाले क्योंकि हम जा रहे हैं हिमालय दर्शन में और आपको भी दिखा रहे होंगे।
रमो की स्पीड देख के लग रहा है आज ये लिंगरानी पहुंचाएगा, क्यों दीपक भाई? हाँ। उड़ते उड़ते जाएंगे का? दो घंटे में भी नहीं, पाँच घंटे तो लगेंगे नीचे, दो घंटे में पूरा डाउन, दो घंटे में लिंगरानी पहुंच जाएगा। उसका दो पार चढ़ा है ना, उसमें एक डेढ़ घंटा लगेगा ही लगेगा, उसमें ज्यादा लगेगा। आप क्या कहोगे, लिंगरानी पहुंचोगे आज? देखते हैं, मैं तो बीच में रुक जाऊंगा, कहीं टेंट मिला वहीं रुक जाओ। वो जो लास्ट चढ़ाई है उसमें चार घंटे लगेंगे, इसका स्पीड देख के रास्ते भी अच्छा है, सीधा सीधा और ऊपर नीचे तो चले जाएंगे लुंगरानी। अरे उसके बाद ही तो असली। एक बात बताओ, जो भैंस ढूंढने जा रहे हो उसको कैसे ले जाओगे नीचे? नहीं, वो भैंस हम यहीं छोड़ जाएंगे। अच्छा, दूध पिला के? बस हमने वो कर लिया, दूध बहुत निकाले उसका, सेट हो गया, दूध कम है उसमें, इसलिए नहीं ले जाएंगे अभी। ठीक है, ऊपर जा रहे हैं मार को। जालम ग्लेशियर के ऊपर बैठ के बातचीत चल रही तुम्हारी, वहाँ मजा आ गया। ऐसे दिन खान लेंगे। आप मिलने लगे हैं हमें स्नो ब्रिज, और सामने का नज़ारा क्या बात है। हाँ, वहीं जाने वाले हम, बिल्कुल धूप पड़ चुकी है हिमालयन पीक्स पे और ठंडी हवाएं। अभी तो हमारा जो एलिवेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की कमी है यहाँ पे, थोड़ा थोड़ा चलते ही सांस फूल जा रहा है। दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 7 और नज़ारा ये है इस पूरे ट्रैक का सबसे पहला खूबसूरत व्यू, पूरा स्नो ब्रिज है ये, और सामने है हिमालयन पीक्स। तो इस ट्रैकिंग जर्नी को कंप्लीट करने में हमें यहाँ तक लगे हैं 48 किलोमीटर्स। यस, ग्लेशियर के ऊपर चलने का एहसास ही अलग होता है। ये देखिए, ये पूरा स्नो है, इसके बीच में पानी भी है। ये देखो, ये दर्रे भी होंगे इसमें। हाँ, ये पूरा टूटा हुआ जोन है, ये है दर्रे, ये पूरा ग्लेशियर। क्या अंदर कितना क्लीन है ना स्नो। रमेश भाई अभी हमारे बिल्कुल ग्लेशियर के ऊपर से चल रहे हैं। हाँ, आराम से चल गौरव, इनमें मत घुस जाना। दोस्तों, यही होते हैं दर्रे जिसमें फंस जाते हैं, बहुत संभल के चलना होता है। और हम लोग, आप हमें जिद्दी ट्रैकर्स कह सकते हैं और रिस्की ट्रैकर भी कह सकते हैं, विदाउट स्पाइक्स हम चल रहे हैं इस ग्लेशियर के ऊपर। हाँ, फिसलेगा, ये जरूर फिसलेगा। कहाँ है गौरव? यहाँ पर आओ जल्दी, साथ में चलो। हाँ, ये देखो क्या जोन है, क्या जोन है दोस्तों। वहाँ कहीं पे है रालम ग्लेशियर का स्टार्टिंग पॉइंट, और अभी तक आप देख सकते हैं ये पूरा जोन, ये पूरा रालम ग्लेशियर है, काफ़ी लंबा जोन है। मेरे अनुमान से तो ये होगा 2 किलोमीटर का। क्यों रामू भाई? अभी भी हम ये ग्लेशियर के एंड तक जाने वाले हैं, और यहाँ से हिमालयन पीक्स का नज़ारा बेहद ही खूबसूरत। गौरव, बिल्कुल संभल के चलना, विदाउट इक्विपमेंट, रिस्की ट्रैकर्स। चलो चलो चलो, रुको मत यहाँ पे। जय हो, अब जाके पानी मिला है। बनाओ यार, गड्ढा बनाओ, पानी निकालो। दीपक भाई लोग अभी वहाँ जाने वाले हैं कीड़ा ढूंढने, हरी घास में। यस, और यहाँ से निकाला जा रहा है पानी पूरा। ये देखो, ये पूरा रालम ग्लेशियर है नीचे 2 किलोमीटर तक, और हम खड़े हैं यहाँ पे। क्या बात है, इससे कीड़ा निकालते हो ना अभी कुदाल से।
पानी निकाल। प्यास लगी ना गजब। वहाँ से आए हम, वो नीचे देखो वहाँ टेंट है। तीन घंटे लगे हम आने में, दो घंटे, ढाई घंटा, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। दोस्तों ये है जोन, पता ही नहीं चलेगा अगर फिसले तो। ये ग्लेशियर के ऊपर, अरे मुझे तो कुछ मिल गया है सामने, ये गोल्डन स्टोन। क्या बात है, गोल्डन स्टोन भाई लोगों, गोल्डन स्टोन मिल गया मुझे। ये दीपक भाई, गोल्डन स्टोन है ना, इसका क्या यूज होता है? वही ले सकता है। यस, और इसके बारे में मैंने सुना है कि जब सांप आपके पास में हो तो धूप के साथ इसको थोड़ा सा घिस के जला देंगे तो सांप जो होता है बेहोश हो जाता है। हाँ, बकरियों के लिए, गायों के लिए इसकी दवा, लेकिन मैं इससे सांप को बेहोश करने वाला नहीं हूँ। इतना बड़ा गोल्डन स्टोन लेके कौन जाएगा? ये गोल्डन स्टोन लेके मैं कहाँ पहुँच गया? कहाँ ले गया तू? कहाँ ले गया? ये गैप में बीच में रास्ता ब्लॉक है, नहीं है, खाई है ये। क्या बात है गौरव भाई, हाँ तोड़ रहे हैं गोल्डन स्टोन बीच में। लो बस, ठीक है। कितना ले जाएगा? सोना थोड़ना है वो, सोना थोड़ना है वो। दोस्तों स्पेशल व्यू आपके लिए रालम ग्लेशियर पर खड़े होके 360 डिग्री का। फोर्थ डे का ब्रेकफास्ट हो रहा है हमारा रालम ग्लेशियर के ऊपर बैठ के। वाह, दीपक भाई लोग खाना पैक करके लेके आए। अरे वाह, क्या क्या है इसमें? राजमा भी है। यस, मुझे चाहिए इसमें, प्लेट में दे। रमेश भाई तो अपना नाश्ता अलग लाए हैं। आया मजा? 4500 मीटर में खाने का मजा ही अलग होता है, वो भी ग्लेशियर के ऊपर बैठ के। मजा आ गया। दोस्तों पहली बार मेरी वीडियो में आपको ग्लेशियर इतने पास से देखने को मिला होगा, क्योंकि मैं खुद पहली बार ग्लेशियर के इतने पास गया हूँ। अभी हम बिल्कुल रालम ग्लेशियर के ऊपर खड़े हैं। रालम ग्लेशियर का एंड पॉइंट ये है और स्टार्टिंग पॉइंट दूर, यहाँ से दिख भी नहीं रहा है, काफ़ी नीचे है वहाँ कहीं। वहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो 2 किलोमीटर का तो है ही। हम इसके ऊपर से चढ़ते हुए आए हैं और पानी हमें यहाँ आके मिला है। क्या हुआ भाई, ठंडा हो गया? ये देखिए, ये वाटर टैंक बना हुआ है यहाँ पे। वैसे तो इस ग्लेशियर पे बहुत बड़ी बड़ी दरारें हैं और नज़ारे, क्या बात है। पूरा ग्लेशियर है, क्रिस्टल है, पूरा क्रिस्टल। ये देखिए सामने पूरी हिमालयन पीक्स है, इधर बुरफुदूरा है, ये पूरा रालम ग्लेशियर है, इधर स्वीटीला पीक है ऊपर, और ये रालम दूरा। तो यहाँ के नज़ारे कुछ ऐसे हैं। रमेश भाई क्या हुआ? मज़ा आ गया। ये देखो क्रिस्टल, ये पूरा स्नो है, फिसल भी जा रहे हैं। और ग्लेशियर में कितने बड़े बड़े दर्रे होते हैं ये देखिए। एक गलत कदम, पता नहीं कहाँ आदमी जाएगा नीचे, कहीं दिख भी नहीं रहा है ये। क्या बात है। तो अभी टाइम है दीपक भाई से अलविदा लेने का, क्योंकि दीपक भाई लोग जा रहे हैं कीड़ा ढूंढने उधर कहीं, और हम जाएंगे, हम जाएंगे वापस आज की लंबी ट्रैकिंग करते हुए। चलो अच्छा लगा आपसे मिलके, मिलते हैं। ओके ठीक है, आपको मिलते हैं हल्द्वानी में। फोटो वोटो मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप में। चलो ध्यान रखना, आराम से जाना है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। दोस्तों माँ नंदा के आशीर्वाद से ये ट्रैक भी हमारा अच्छे से कंप्लीट हो गया है, और आज तो मौसम ने कितना हमारा साथ दिया, आपने देखा क्या नज़ारे हमें यहाँ पे देखने को मिले हैं। और इस ट्रैक को पूरा करने के लिए लिलम से इस ग्लेशियर तक चढ़ने का हमारा जो सफ़र था वो 48 किलोमीटर्स का था वन साइड, तो आप सोच लीजिए 96 किलोमीटर का ये डबल साइडेड ट्रैक हमने कितने अच्छे से कम्प्लीट किया है। और इस ट्रैक को कम्प्लीट करने में भी मुझे साथ दिया है मेरे परिवार वालों ने, मेरे दोस्तों ने और मेरे ट्रैकर साथियों ने। ट्रैकर साथी किधर हैं? इधर इधर आ जाओ जरा। अच्छे से इनने पूरा, मतलब कहीं पे भी डिमोटिवेट नहीं हुए, हर जगह अपना मोटिवेशन हाई रखा। ये देखिए गौरव, गौरव आपकी एज क्या है?
19. Yes, so गौरव हमारे 19 years के हैं और हमारे साथ बिल्कुल प्रॉपर चले और हमारे नंबर वन ट्रैकर, इनका तो क्या ही कहना। ये तो अभी हमको आज के दिन में हमारी वापसी हो रही है और ये कहना, इनका कहना है कि लिंगरानी तक जाना है ऐसे ट्रैकर। और मैं लॉन्गेस्ट ट्रैक था ना, बिल्कुल ये सबसे लंबा ट्रैक है अभी तक का हमारा 96 किलोमीटर्स का। और मैं थैंक्स कहना चाहूँगा फैमिली को, मम्मी पापा को जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं, और ट्रैवलर को, ट्रैवलर हाँ जरूर आते हैं हमारे साथ, लेकिन पापा को भी थैंक यू बोल, वो भी तो भेजते हैं मुझे। यस, तो सारी फैमिली को और हमारे दोस्त जो हमें सपोर्ट करते हैं, अरुण दद्दा आपका तो बिग सपोर्ट है, तो यही है आप लोगों के सपोर्ट से हम अच्छे से ट्रैक कर लेते हैं। तो अभी चलते हैं वापस और आज तो बहुत लंबी जर्नी है, थकने वाले हैं बढ़िया करके। और लेकिन टाइमिंग सही हो रहा है, 9 बजे बोला था 9 बजे वापस। यस दोस्तों, यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है रालम ग्लेशियर का और हम उधर टॉप में थे। रालम विलेज के सारे लोग अभी यहाँ पे कीड़ा घास ढूंढना है और यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ से लोग सीपू ग्लेशियर की तरफ भी ट्रैक करते हैं जो कि 4 से 5 किलोमीटर का है, लेकिन इस बार तो हम ट्रैक नहीं करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह एक और ट्रैक को एक्सप्लोर करने के बाद अब हमारी वापसी हो रही थी घर को। रालम वैली इतनी खूबसूरत है कि इसे छोड़कर जाने का दिल बिल्कुल भी नहीं करता, लेकिन घर की जिम्मेदारियाँ हमारे कदमों को घर की तरफ ले चली। पीछे छूटते इन हिमालयन पीक्स से अभी भी नज़रें नहीं हट रही थी। अब अगर कुछ साथ था तो वो है यहाँ की यादें। वापसी करते हुए सबसे पहले हम पहुँचे गलपाड़ी। यहाँ कुछ देर रुककर और इन नज़ारों को अपने दिल में कैद करके फिर शुरू हुआ एक लंबा सफ़र। आज हमें पूरे 38 किलोमीटर का ट्रैक करके वापस पहुँचना था लिंगुरानी। शाम होते होते लिंगुरानी का सफ़र भी पूरा हुआ। अगले दिन का सफ़र करते हुए हम पहुँच गए पातो गांव, जहाँ हमारे दोस्त पृथ्वी भाई और बल्लू भाई पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रहे थे। गांव पहुंचते ही पृथ्वी भाई ने सबसे पहले हमारे लिए खाना बनाया। दोस्तों अभी भी मानो ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपने परिवार के साथ ही बैठा हुआ हूँ। कुछ देर पातो गांव में रुकमताई और दोस्तों के साथ टाइम बिताने के बाद अब घर की दूरी और कम होते चली थी। अब बस मन में यही चल रहा था कि अगला सफ़र कहाँ का होगा। दोस्तों वैसे तो अभी मेरी ये शुरुआत ही है, आगे बहुत लंबा सफ़र करते हुए मैं बहुत सारे ट्रैक्स और एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो मेरे साथ इसी तरह सफ़र करते रहिए, मैं आपको हिमालय दर्शन कराता रहूँगा।